यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। दर्जनों नेता अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत से मंत्री दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश महासचिव रामानंद सहानी ने भी राजनीतिक दल पर तंज कसना शुरू कर दिया है। देखिए क्या कुछ कहा प्रदेश महासचिव ने। चुनाव का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में कई पार्टियों के लीडर लगातार पत्र लिख रहे हैं चुनाव आयुक्त को कि उनके ऊपर इंजाम लगा रहे हैं कि सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिस पर इस समय बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने खास तौर पर एक पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भाजपा के कार्यकर्ताओं के इशारे पर अधिकारी तत्काल में काम कर रहे हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या पार्टी कह रहे हैं? बहरहाल ऐसा होना चाहिए कि जो आचार संहिता लगने के पहले जितने अधिकारी पोस्ट हैं निश्चित रूप से वो भाजपा के इशारे पर पोस्ट हैं, जो अतिरिक्त हैं उनको लगाना चाहिए ताकि पारदर्शिता से चुनाव कराया जा सके। क्या लगता है कि ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं वीआईपी पार्टी को भी और उसको वो आगे चुनाव आयोग से बात करेगी अगर ऐसा है लग रहा है? अब ऐसा माननीय मंत्री जी हमारे जो पार्टी के संस्थापक हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अभी नेगेटिव होने के तुरंत बाद वो लखनऊ आएंगे तो उनके निर्देश पर चुनाव आयोग से माननीय मंत्री जी बात करेंगे। अभी चुनाव नजदीक जैसे ही आया है, कल योगी सरकार ने बिजली की दरों में आधी कटौती कर दी, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से, तो इसको वीआईपी पार्टी किस नजरिए को देख रही है योगी जी के इस कार्यक्रम? वीआईपी पार्टी देखिए माननीय योगी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्रदेश में भी है केंद्र में भी है, ये वादे उनको नहीं करना चाहिए। अगर नियत साफ होते तो इसके पहले वो लागू कर दिए होते और चुनाव आया है केवल लुभावना है और कुछ नहीं है। बहरहाल मेरी सरकार आएगी तो मैं निश्चित रूप से किसानों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ न कुछ करूंगा। जमीनी मुद्दों को छोड़कर आज दैवी मुद्दों की तरफ पार्टियां घूम रही हैं, उसी के तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 8 फीट ऊंची परशुराम जी की मूर्ति बनाई थी जिसे आज ज़्यादा दिन नहीं हुआ और वो मूर्ति गिर गई है, क्या कहेंगे? देखिए जो काम होते हैं बहुत ज़्यादा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जितने भी काम होते हैं कमीशन खोरी की वजह से गुणवत्ता नहीं आ पाती है और उसकी वजह से गिर जाती है, क्या हो जाता है वो आप सब देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मूर्ति लगाई जाए, कुछ भी अच्छी गुणवत्ता ना होने के कारण ऐसा हो रहा है, गुणवत्ता आनी चाहिए। कि नारी पढ़ाओ नारी बचाओ, अभी 3 दिन पहले की बात है कि बंथरा में एक महिला एसआई थी उसके ऊपर सीधे इंस्पेक्टर ने गलत टिप्पणी की, अवैध खनन को लेकर उसको रोकने पर इंस्पेक्टर महोदय ने उसका स्थानांतरण कर दिया, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं के हक की बात करने वाली योगी सरकार के बारे में क्या सोचती है? देखिए साफ साफ जाहिर है, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया कि नारी बच्ची पढ़ाओ बचाओ का नारा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे महिलाओं के साथ रेप बलात्कार की संख्या ऑलरेडी बढ़ती जा रही है, कहाँ कोई इज्जत किसी इज्जत आबरू बच रही है, सामूहिक रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये उनका पूर्ण रूप से जो वादा था जो नारा दिया था वो झूठा साबित हुआ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कुछ नहीं कर पाए और आप सब गवाह हैं। वीआईपी पार्टी इस देश में 2024 में राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है और लोकसभा की तैयारी अभी से कर रही है, 2022 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश में फिशरमैन की संख्या ज़्यादा है, दबे कुचले लोगों की संख्या ज़्यादा है, जिनकी आज तक किसी पार्टी ने न सपा ने ध्यान दिया, न बसपा ने ध्यान दिया, न भाजपा ने ध्यान दिया, न कांग्रेस ने ध्यान दिया, किसी लोगों को ध्यान नहीं दिया, उन लोगों की आवाज़ को उठा करके हम निश्चित रूप से आने वाले 2022 की जो चुनाव होगा जो सरकारें बनेंगी उसमें हम हमारी हिस्सेदारी रहेगी, बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।